Hello everyone and welcome to another set of videos for KVS PGT. इस वीडियो के अंदर भी हम प्रीवियस क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करेंगे. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि हम KVS PGT 2013 का हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पर भी PGT 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है हम सेम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं हम प्रीवियस कंटिन्यूएशन में ही लेंगे. अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि है www.digimentor.com, और यहाँ पर जाने के बाद एक सेक्शन मिलेगा आपको डाउनलोड्स सेक्शन, एंड फ्रॉम दिस डाउनलोड सेक्शन यू कैन डाउनलोड दिस एंटायर PDF. मैं थोड़ा सा फिर से हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ पर. तो इस डाउनलोड सेक्शन से आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर ये पूरी जो PPT प्रेजेंटेशन है वो आपको मिल जाएगी. अब इसके अलावा आप देखिए, जो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर लेते हैं. सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है हमारे माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट में से. तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके. दे आर सेइंग डैश रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सिस्टम विजिबल टू अ प्रोग्रामर, और पुट अनदर वे, दोज एट्रीब्यूट्स दैट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो कि प्रोग्राम के लॉजिकल एट्रीब्यूट्स में को इम्पैक्ट करते हैं, तो उन लॉजिकल एट्रीब्यूट्स को हम क्या कहते हैं. ऑप्शन नंबर ए इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शन नंबर टू इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर. ऑप्शन नंबर थ्री इज माइक्रो प्रोसेसर. ऑप्शन नंबर फोर इज बस. अब देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन को ना सॉल्व करना, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए यहाँ पर इन चारों में डिफरेंस क्या है. देखो, बस तो आप ऑलरेडी जानते हैं, अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको पता है कि बस क्या है. बस जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर भी आपको पता है. बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर किसको कहते हैं, जिसको हम रफ लैंग्वेज हम CPU भी बोलते हैं, उसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं. लेकिन जो पहली दो टर्म है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी टर्म है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आपको पता होना चाहिए कि इसमें डिफरेंस क्या है. जनरली जब ये हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. कई जगह पर सब्जेक्ट का नाम सिर्फ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कई जगह पर सब्जेक्ट का नाम सिर्फ कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है. ओके, और इसको हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर COA भी बोलते हैं. तो अलग अलग जगह पर इस सब्जेक्ट को हम अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, लेकिन कहीं पर भी ये क्लियर नहीं होता कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली डिफरेंस क्या है. तो पहले तो हम दोनों के बीच डिफरेंस क्लियर करते हैं कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझ सकें. देखो, अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस और डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो होता क्या है. सो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस हाउ द डिवाइस इज इम्प्लीमेंटेड, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेड है उसको बोलते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन कंप्यूटर आर्किटेक्चर रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सिस्टम विच इज़ विजिबल टू ए प्रोग्रामर, और दोज एट्रीब्यूट्स दैट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. सो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑपरेशनल यूनिट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन दैट रियलाइजेज द आर्किटेक्चर स्पेसिफिकेशन. सो यहाँ पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की जब मैं बात करूँगा तो वहाँ पर मैं बताऊँगा कि हमारे पास क्या क्या ऑपरेशनल यूनिट्स हैं और उनके इंटरकनेक्शन किस तरीके से हैं. जैसे कि हमारे पास एक मेमोरी है, मेमोरी के अलावा हमारे पास एक माइक्रो प्रोसेसर है, हमारे पास एक डेटा बस है, हमारे पास अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को आपने किस तरीके से कनेक्ट किया है, यानी कि उन कंपोनेंट्स को आपने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है एंड देयर इंटरकनेक्शन, उसको बोलते हैं हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि ऐसे एट्रीब्यूट्स जो भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके एट्रीब्यूट्स आते हैं सिस्टम के, उसको बोलते हैं हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर. एट्रीब्यूट्स जिनसे लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में डायरेक्ट एक इम्पैक्ट पड़ता है. अब ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली बस आपसे यही पूछना चाहता है इस क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली कि आपको क्या, आपको पता है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या है. अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हैं. तो आपको पता है कि यहाँ पर आंसर क्या है, इट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो कि ये बताएगा कि सिस्टम के ऐसे क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो कि डिफरेंस क्रिएट करते हैं फॉर लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट जो है वो इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं. मैंने भी मुझे इसका आंसर पता था हालांकि, लेकिन मैंने भी एक दो फोरम्स में यहाँ पर क्वेश्चन को देखा है और स्टूडेंट्स को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इसका आंसर है क्या.
तो आई होप, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी इसके आंसर में कंफ्यूज होंगे कि आंसर आपके पास वन है या फिर आंसर आपके पास ये टू है, इन दोनों में से कौन सा आंसर है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होंगे। ना क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स डज एन एस्केप सीक्वेंस, जिस तरीके से हमारे पास एस्केप सीक्वेंस होते हैं ना सी प्लस प्लस कंज्यूम्स। देखो एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे कि मैंने बोला वी हैव कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, अप टू सो ऑन कैपिटल जेड, दीज आर कैरेक्टर्स। तो सी और सी प्लस प्लस जो है दे यूज़ एस्काई कोड्स। तो एस्काई कोड्स के अंदर कैपिटल ए को हम 65 से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल जेड को हम 90 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से स्मॉल ए को हम 97 से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे पास स्मॉल जेड है उसको हम 122 से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके डेसिमल वैल्यूज़ हैं। लेकिन जब यहाँ पर आप देखते हैं एस्केप सीक्वेंस, जो जनरली एस्केप सीक्वेंस इस तरीके से लिखा होता है स्लैश और एन या फिर स्लैश एफ, इस तरीके से स्लैश एन का मतलब है इट इज़ ए न्यू लाइन कैरेक्टर, इट इज़ ए न्यू लाइन कैरेक्टर। अब बच्चे कन्फ्यूजन में ये रहते हैं कि सर स्लैश एक सिंबल है हमारे पास और एन एक सिंबल है, तो ओबियसली यहाँ पर दो सिंबल्स हो गए, तो जो इसका साइज़ है वो हमारे पास दो बाइट होना चाहिए, यानी कि एक एस्केप सीक्वेंस जो है वो दो बाइट का साइज़ होना चाहिए, बिकॉज एक सी कैरेक्टर जो है वन बाइट का होगा। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, जो भी हमारे एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं वो बेसिकली हमारे सिर्फ वन बाइट के होते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, ज़रा सा एक हम एक प्रोग्राम को देखकर समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक क्या करते हैं। आई होप, मुझे लगता भी है कि इस वीडियो को देखकर, इस सेक्शन को देखकर काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि सर इसमें से ये ठीक है वो ठीक है, लेकिन मैं इसके प्रॉपर आपको रीजनिंग में आपको देता हूँ। देखो हमने एक प्रोग्राम लिखा यहाँ पर सी प्लस प्लस का, और इस प्रोग्राम में हमने लिखा साइज ऑफ स्लैश एफ, पर ध्यान दो इस प्रोग्राम में हमने जो लिखा है इसको लिखा सिंगल कोटेशन स्लैश एफ कोटेशन, यानी कि हम एक साइज ऑफ ए कैरेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर साइज ऑफ ए कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो अगर इसका साइज को प्रिंट करूँगा इट विल प्रिंट वन बाइट, लेकिन मैंने देखा है कोरा पे भी और काफ़ी जगह पर जो क्वेश्चंस जो है बच्चों ने इस प्रोग्राम को रेफरेंस देके बोला है कि सर ये प्रोग्राम है इस वजह से यहाँ से साइज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास टू बाइट आता है। लेकिन आप ये चीज़ समझिए, जब यहाँ पर हम साइज ऑफ निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ये जो हमारे पास डबल इन्वर्टेड कॉमाज है इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि जब ये मेमोरी में स्टोर होगा तो मेमोरी में आपके पास दो बाइट्स इनिशियलाइज हो गए, एक होगा आपके पास स्लैश एफ और दूसरा होगा हमारे पास नल, बिकॉज एवरी स्ट्रिंग्स एंड्स विद अ नल बाइट। तो जब आप इसको साइज़ बताएंगे तो इसका जो साइज़ आएगा वो टू बाइट्स आएगा, बिकॉज आपने दो बाइट की मेमोरी लोकेशन अलोकेट की है और यहाँ पर आपने सिर्फ एक ही बाइट की मेमोरी लोकेशन अलोकेट की है, तो जो साइड साइज़ है इसका वो आएगा आपके पास वन बाइट। ओके, अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारे पास साउंड से। एक्चुअली ये जो मल्टीमीडिया सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन है, ये कहीं पर मेंशन नहीं होता सब्जेक्ट के अंदर कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली मल्टीमीडिया के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको फिडेलिटी क्या होती है, सैम्पलिंग क्या होती है, डिजिटाइजेशन क्या होती है और नाइक्वेस्ट थ्योरम क्या है। तो इसको समझाने के लिए मैंने बेसिकली करा यह है कि मैंने साउंड्स के बारे में थोड़ा सा थ्योरी लिया है, उसके थोड़े से टर्मिनोलॉजीज हम लोग कवर करेंगे और इन सब चीज़ों को एक एक करके देखेंगे कि एक्चुअल में ये सब चीज़ें हैं क्या, ताकि जब दोबारा से हम इस क्वेश्चन को देखें तो आपको इसका आंसर डायरेक्टली पता होना चाहिए कि इसका आंसर है क्या। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन जो है वह है फिडेलिटी, सैम्पलिंग, डिजिटाइजेशन और नाइक्वेस्ट थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले समझो साउंड होती क्या है। सो साउंड इज़ अ ब्रेन इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बीइंग सेंट बाय इनर ईयर थ्रू द नर्वस सिस्टम। सो बेसिकली होता यह है कि जब आप अपने ईयर, जैसे कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन अपने ईयर से किसी साउंड को सुनता है। ठीक है, लेट अस से यहाँ पर हमने कुछ बजाया हुआ है, कुछ म्यूजिक चल रहा है और ये कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जो ह्यूमन ईयर है वो इस साउंड को लिसन कर रहा है। अब इस ह्यूमन ईयर के अंदर हमारे पास ड्रम्स होते हैं, ड्रम्स कहने का मतलब क्या है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कान का पर्दा। तो जो ड्रम्स होते हैं वो बेसिकली वाइब्रेट करते हैं और उनकी वाइब्रेशन से एक सिग्नल जाता है ब्रेन को जो बताता है कि इस तरह की साउंड जनरेट हुई है। तो बेसिकली साउंड, जब मैं पूछता हूँ कि साउंड होता क्या है, साउंड इज़ बेसिकली सम वाइब्रेशंस जो होती है, वहाँ से हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती है जो कि साउंड्स के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो जब वो सिग्नल जो है वो ड्रम्स के थ्रू सिग्नल हमारे माइंड में जाता है तो हमें लगता है किसी तरह की आवाज़ें यानी कि साउंड आ रही है। नाउ अब जो ह्यूमन है उसकी आवाज़ सुनने की एक रेंज होती है जिसको बोलते हैं एक्विस्टिक रेंज, यानी कि अगर किसी साउंड को, कोई साउंड अगर हमारी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है तो उस वो जो साउंड है वो हमारे ह्यूमन ईयर को सुनाई देती है। अभी 20 हर्ट्ज और 25,000 हर्ट्ज का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए।
देखिए हम फ्रीक्वेंसी को मेज़र करते हैं. अब जो फ्रीक्वेंसी होता है बेसिकली वन अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है. अब लेट अस से मैंने बोला कि हमारे पास जो साउंड ट्रैवल कर रही है वो वेव फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, तो इस तरीके से आपकी साउंड ट्रैवल कर रही है. अभी साउंड में हमारे पास यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये बेसिकली एक होता है टाइम पीरियड, यानी एक ही होता है हमारे पास वन जिसमें हमारा एक पीरियड है, यानी कि इसके बाद ये जो सिग्नल है ये अपने आप को रिपीट करेगा. अब ये सिग्नल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वेव को ट्रैवल करने के लिए जो भी टाइम लगेगा, अगर हम उस टाइम को वन अपॉन टी में कन्वर्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है. अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 20 to 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 1/20 जो है वो बेसिकली जो हमारे पास 20 है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, और जो 20 हर्ट्ज है बेसिकली ये निकला है 1/ टाइम पीरियड से. उसी तरीके से 20,000 हर्ट्ज निकला है 1/ टाइम पीरियड से. तो अगर जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर निकली है तो हमारी इसका मतलब ये है कि 20,000 मतलब है कि इतनी साइकिल्स पर सेकेंड हमारे जो साउंड है वो लेता है. 20,000 का मतलब ये है कि अगर इस तरह की साइकिल्स जो साउंड सिग्नल ले रहा है वो एक सेकेंड में 20,000 साइकिल्स लेगा, ठीक है. एक रफली बेसिकली एक रफ आइडिया है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है. अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझो. नाउ दिस साउंड वेव्स आर डिस्टर्बेंसेज इन एयर और अदर मीडियम्स ऑफ ट्रांसमिशन. द साउंड वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन. तो बेसिकली जो हमारी एयर है, एयर के अंदर डिस्टर्बेंसेज जो होती है, और ये जो डिस्टर्बेंसेज है ये हमारे ईयर्स के अंदर जाकर हमारे एयर ड्रम्स को अफेक्ट करती है जिससे हमें साउंड सुनाई देता है. तो जैसे कि मैंने बोला कि कई बार आपने सुना भी होगा हमारे पास शॉक वेव होते हैं, साउंड वेव्स होते हैं, जैसे कई जगह पर आपने देखा होगा कि कहीं पर बहुत तेज़ साउंड प्रोड्यूस हुई और उस तेज़ साउंड से हमारे खिड़कियों के जो शीशे हैं वो ब्रेक हो गए. ये इस वजह से होता है कि जो तेज़ साउंड प्रोड्यूस होंगी वो किसी तरह की एयर में डिस्टर्बेंसेज क्रिएट करेंगी, और वो जो डिस्टर्बेंसेज है वो बेसिकली वाइब्रेशंस की फॉर्म में होती हैं. जब ये डिस्टर्बेंसेज क्रिएट होंगी तो हमारी जो विंडो है वो बहुत स्पीड से वाइब्रेट करती है, और वाइब्रेट करने की वजह से कई बार ऐसा हो सकता है कि जो विंडो है वो हमारी ब्रेक हो गई, ठीक है. अब जो साउंड है उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए. जैसे कि हमारे पास एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, तो साउंड को हमेशा एक मीडियम चाहिए होता है. विदाउट मीडियम साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल अगर आप वैक्यूम में जाएंगे तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है. अब एम्पलीट्यूड मीजर्स द रिलेटिव लाउडनेस ऑफ द साउंड विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द वैली एंड द क्रस्ट. इसका मतलब क्या है कि जब साउंड की जो हमारी वेव्स हैं वो इस तरीके से ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है. और अब इसमें देखो जब इस तरीके से ये वेव ट्रैवल कर रही थी तो यहाँ पर इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर आपको बताता हूँ. ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं क्रस्ट और ये है वैली, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. अब ये एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी ही साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है एक जो उतना है जो साउंड है उतनी ही ज़्यादा लाउड होगी. अगर हमारे पास अगर ये एम्पलीट्यूड बहुत कम है इसका मतलब क्या है, जो साउंड का जो एम्पलीट्यूड है वो कम है तो साउंड की लाउडनेस भी कम होगी, ओके. सो दिस एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस द वॉल्यूम ऑफ द साउंड एंड द यूनिट ऑफ मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ अ साउंड इज डेसिबल. सो वी मेजर द साउंड वॉल्यूम्स इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स, ठीक है. अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सो द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ टू क्रस्ट इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी एंड द नंबर ऑफ पीक्स दैट ऑकर पर सेकेंड इन इज कॉल्ड इन वन सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये हमारे पास जैसे टाइम पीरियड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास टाइम पीरियड है. अब इस टाइम पीरियड में ये जो हमारे पास पीक हुआ और ये हमारे पास फिर एक पीक टॉप और लोअर लेवल में जो हमारे पास डिफरेंस होता है टाइम का उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो बेसिकली एक तरीके से टाइम पीरियड ही होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक. अब एक सेकेंड में कितने कितने आपके इस तरह के पीरियड्स अपने आप को रिपीट करेंगे उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है. अब उसी तरीके से हमारे पास पिच होता है. अब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड से रैपिडली ऑसिलेट करता है तो उसे बोलते हैं हाई पिच साउंड, यानी कि ट्रिबल. अ लो फ्रीक्वेंसी साउंड ऑन अदर हैंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट वाइब्रेट स्लोली, यानी कि अगर कोई जो साउंड है वो बहुत स्लोली वाइब्रेट कर रहा है तो उसे लो फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेट होंगी. जैसे कि हमारे पियानो है, गिटार है, तो ये जो साउंड्स हैं यहाँ पर अगर उसके देखो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ. जब हमारे पास गिटार होता है, लेट अस अज्यूम ये हमारे पास एक गिटार है, ठीक है. अब इस गिटार के अंदर अलग अलग तरह की वायर्स होती हैं. अब जब कोई गिटार प्लेयर इन वायर्स को छेड़ता है तो उसे साउंड प्रोड्यूस होती है. अब बेसिकली
एक गिटार अलग अलग साउंड इस वजह से प्रोड्यूस कर पाता है क्योंकि इन वायर्स की जो थिकनेस है वो अलग अलग होती है। तो अगर कोई थिक स्ट्रिंग है तो उससे ज़्यादा बास वाली साउंड क्रिएट होगी, और अगर कोई थिन स्ट्रिंग है यानी कि पतली स्ट्रिंग है तो उससे कम जो बास वाली साउंड क्रिएट होगी। ठीक है, अब उसमें आपको पता होना चाहिए वेवलेंथ क्या होता है। अब वेवलेंथ आपको आई थिंक यू हैव ऑलरेडी हैव एन आइडिया, मैंने आपको बता भी दिया है। अब जो बैंडविड्थ है, तो बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट इन द सिग्नल, यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है उनका जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। जैसे कि ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लेट अस से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 200 है और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 100 है, तो इनका जो डिफरेंस है वो होगा हमारा बैंडविड्थ। नाउ सो जैसे सिग्नल अगर मैं बोलता हूँ, सिग्नल हमारा 200 से 3200 हर्ट्ज़ का है, तो उसके अंदर जो बैंडविड्थ हमारे पास आएगी वो आएगी हमारे पास 3000 हर्ट्ज़। अब जब मैं सैम्पलिंग की बात करता हूँ, देखो अब यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन आपको पता चलेगा कि सैम्पलिंग होता क्या है। अब सैम्पलिंग द ऑडियो सिग्नल जो है वो हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल होता है, जैसे कि हमने कुछ साउंड प्रोड्यूस करी तो वो एक इस तरीके से एक एनालॉग सिग्नल है। लेकिन कंप्यूटर्स जो है वो डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे पास होते हैं, यानी कि जो डेटा को वो जीरोज़ और वन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और डिजिटल का मतलब है वहाँ पर इस तरह के स्मूथ पैटर्न्स नहीं होते बेसिकली। तो हम इस ऑडियो सिग्नल जो कि एनालॉग सिग्नल है, हमें उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, एक एग्जांपल के साथ मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी यहाँ पर। नाउ टू कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल वी हैव टू डू सैम्पलिंग, यानी कि हमें सैम्पल लेना होता है साउंड का। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल है जहाँ पर हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल है और उस एनालॉग सिग्नल में हमने यहाँ पर सैम्पलिंग ली है। हर एक पोर्शन पे हमने कुछ पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया है। अब इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। सो सैंपल वैल्यूज दैट कैन बी इन लार्ज रेंज एंड इंक्लूड रियल नंबर्स। नाउ टू स्टोर द सैंपल वैल्यूज विद लेस नंबर ऑफ बिट्स क्वांटाइज इज यूज। नाउ इन क्वांटाइजेशन द वैल्यू इन अ रेंज आर मैप टू अ सिंगल नंबर। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि हमारे पास ये आपके पास साउंड वेव थी, जो भी हमने एग्जांपल लिया था साउंड वेव का, अब हमने इस साउंड वेव के अंदर अलग अलग जगह पर हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनाए थे, तो पॉइंट से बेसिकली हमने उसके अंदर सैम्पलिंग करी थी। ठीक है, अब हमने क्या है, बिकॉज हम जो सिग्नल है वो सिग्नल हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स हैं, और डिजिटल सिग्नल जो है वो हमेशा इस तरीके से होते हैं। ठीक है, उनकी कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है, वो एनालॉग जो सिग्नल्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज होती रहती है और वो कांस्टेंट नहीं है। अब हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पर हमने सैम्पलिंग किया था वहाँ पर हमने उसको डिजिटाइजेशन उसका हमने किया है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर डिजिटाइजेशन होता क्या है, और जहाँ पर डिजिटाइजेशन किया है वहाँ पर हमने उसको डिजिटल फॉर्म में सिग्नल को कन्वर्ट किया है। अब जो हमारे पास लेट अस से हमारे पास एक सैम्पल डेटा है, हमारे पास जो साउंड था वो 20,000 हर्ट्ज का साउंड था, तो हमने उसको 40,000 सैंपल्स पर सेकंड में हम उसको कन्वर्ट किया। अब क्वांटाइजेशन लेवल का मतलब क्या है कि हम 8 बिट्स में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो यानी कि आपका जो 40,000 हर्ट्ज है उसको हमने 1 बाइट पर सेकंड 40,000 टू हर एक क्वांटाइज्ड जो आपने सैंपल लिया था हर एक लोकेशन पर आपने 1 बाइट की इन्फॉर्मेशन को आपने स्टोर किया, तो एक सेकेंड में आप इतना डेटा प्रोड्यूस करेंगे। तो उसी तरीके से अगर हम लोग 16 बिट क्वांटाइजेशन लेवल को यूज़ करते हैं तो जो डेटा साइज़ है यहाँ से हम उसको निकाल सकते हैं। बेसिकली इसकी कैलकुलेशन की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पसेस मैंने इस कैलकुलेशन को लिया है कि आप क्वांटाइजेशन कैसे करते हैं, सैम्पलिंग कैसे करते हैं। जैसे कि आपके 20,000 हर्ट्ज की साउंड थी तो वहाँ पर हमने 40,000 सैम्पल्स लिए और उन सभी को हमने क्वांटाइज किया। तो क्वांटाइज करने के लिए हमने कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया, जैसे कि 8 बिट इन्फॉर्मेशन। तो वो 8 बिट की इन्फॉर्मेशन कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पर चेक करो इस डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पर अलग अलग एम्पलीट्यूड्स हैं, जैसे कि ये एक एम्पलीट्यूड है और ये एक एम्पलीट्यूड है। तो इस एम्पलीट्यूड की कुछ बड़ी वैल्यू होगी, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ करता हूँ तो लेट अस से जस्ट फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 10 है, यहाँ पर वैल्यू 20 है, यहाँ पर वैल्यू 30 है, और यहाँ पर लेट अस से वैल्यू 40 समथिंग है। तो इन 40 को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बाइनरी। यहाँ पर जो डेटा है उसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, इस सिग्नल को, इस लोकेशन को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 40 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ बाइनरी बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हमें देखना है कि टोटल हमें कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग हम इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, तो हाईएस्ट पीक और लोएस्ट पीक में। अब जैसे हमारे पास 8 बिट्स हैं, तो 8 बिट्स में से हम बेसिकली 0 से लेकर 255 यानी कि 256 कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो 8 बिट्स हैं इसको अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास +127 एक नंबर आएगी,
-127. अब लेटर से ये जो हमारे पास लोएस्ट पॉइंट है ये होगा -127 तक का, और कोई हाईएस्ट पॉइंट है ये हमारे पास +127 तक का है, दिस इज 128. तो हम लोग बेसिकली हर एक जहाँ पर हमने सैम्पलिंग ली है उन सभी लोकेशंस के लिए हम लोग कुछ बिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. अब यहाँ पर हमें एक लोकेशन को दिखाने के लिए अगर 8 बिट्स की रिक्वायरमेंट थी, 8 बिट की रिक्वायरमेंट थी, तो हर एक लोकेशन के लिए जहाँ जहाँ पर आपने सैम्पलिंग ली है फॉर एवरी लोकेशन यू हैव टू स्टोर 8 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, 8 बिट्स. तो अगर आप इसी तरीके से लेटर से आपने एक सेकेंड साउंड की क्वांटाइजेशन करी है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज की आपके पास साउंड थी, वहाँ पर आपने 40,000 सैम्पल्स लिए हैं और हर एक सैंपल के लिए 8 बिट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, यानी कि सैम्पलिंग के लिए जो आपने क्वांटाइजेशन को लिया है, मतलब बेसिकली जो सैम्पलिंग के लिए आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ली है, वो 40,000 सैंपल्स के लिए फॉर एवरी सैंपल यू आर स्टोरिंग वन बाइट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है. तो उसी तरीके से आप टोटल जो डेटा साइज़ है, जो टोटल साइज़ होगा उस साउंड का, उसको आप बता सकते हो. जैसे यहाँ पर जो साउंड का जो टोटल साइज़ यहाँ पर आ रहा है 16 बिट क्वांटाइजेशन लेवल से, वो 80,000 बाइट्स पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है. अब आपको पता है क्वांटाइजेशन क्या है, आपको पता है कि सैम्पलिंग क्या है. जो फिडिलिटी है, फिडिलिटी इज डिफाइंड एज अ क्लोजनेस ऑफ द रिकॉर्डेड वर्जन टू द ओरिजिनल वर्जन, यानी कि आपने जो रिकॉर्डेड वर्जन साउंड का लिया है उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे आप डिजिटल फॉर्मेट में. अब जो डिजिटल फॉर्मेट में आपने साउंड को रिकॉर्ड किया है वो ओरिजिनल वर्जन के कितना क्लोज है, उसको हम बोलते हैं फिडिलिटी. ओके, सो हाई फिडिलिटी मतलब कि ज़्यादा मेमोरी लेगा, ठीक है, और लो फिडिलिटी मतलब कम मेमोरी लेगा. अगर हाई फिडिलिटी है तो इसका मतलब यह है कि जो आपकी जो साउंड होगी उसके अंदर ज़्यादा डिटेल्स होंगी, और लो फिडिलिटी का मतलब है साउंड जो है वो कम डिटेल्स होंगी. अब कई बार आप चेक करोगे, अब म्यूज़िक अगर आप सुनते हैं तो MP3 सॉन्ग्स जो हैं, MP3 सॉन्ग्स के अलग अलग वर्जन हमारे पास होते हैं, जैसे कि 64 KBPS वर्जन, या फिर 128 KBPS वर्जन, या फिर हमारे पास 320 KBPS वर्जन, सो ऑन. तो अलग अलग हमारे पास वर्जन आते हैं. अगर आप चेक भी करते हैं, लेटर से आपने एक विंक ऐप यूज़ करते हैं, जैसे मैं म्यूज़िक के लिए आई यूज़ एयरटेल विंक, तो विंक की सेटिंग्स के अंदर आपको साउंड की क्वालिटी के लिए ये जो सेटिंग्स है आपको मिल जाएगी, जिसमें हाईएस्ट सेटिंग जो 320 है, इसका मतलब है कि जो साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगी, और जितना हम लो जाते जाएंगे उतनी ही उसकी जो डेप्थ है साउंड की, या फिर कहो जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है साउंड के अंदर, वो सभी इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगी. तो जब मैं हाई फिडिलिटी को बात करता हूँ, हाई फिडिलिटी को बेसिकली हम हाईफाई रिकॉर्डिंग भी बोलते हैं. सो हाईफाई रिकॉर्डिंग टेक्स अप लॉट ऑफ मेमोरी, वो बहुत ज़्यादा मेमोरी लेगी, और लो फिडिलिटी वाली जो रिकॉर्डिंग है वो कम मेमोरी लेगी, ठीक है. तो अब बिकॉज हमारे पास ज़्यादातर जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हैं, अब हमारे पास काफ़ी स्पेस अवेलेबल है, इसलिए हम ज़्यादातर जो साउंड अब रिकॉर्ड कर पाते हैं वो हमेशा हाई फिडिलिटी, यानी कि बहुत ही अच्छी डिटेल्स के अंदर हम लोग साउंड रिकॉर्ड कर पाते हैं. अब हमारे पास उसी तरह के साउंड अलग अलग है, हमारे पास मोनो साउंड है, स्टीरियो साउंड है, वगैरह वगैरह. अब जो नाइक्विस्ट थ्योरम है, नाइक्विस्ट थ्योरम क्या बोलती है, बेसिकली इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ एनालॉग साउंड फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन टू रिजल्ट इट्स फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ द सिग्नल स्लाइस कॉल्ड सैम्पल्स ऑफ द एनालॉग वेव फॉर्म मस्ट बी टेकन फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ सैम्पल्स पर सेकेंड इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग रेट एंड द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी. बेसिकली नाइक्विस्ट जो थ्योरम है वो बेसिकली डिजिटाइजेशन के लिए यूज़ होती है फॉर साउंड्स जो एनालॉग साउंड्स हैं, ठीक है. अब देखो, हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की है, इन सभी चीज़ों में हमने एक आइडिया मैंने आपको दिया है. बेसिकली नाइक्विस्ट थ्योरम में ज़्यादा डिटेल में कवर जानबूझ के नहीं किया क्योंकि उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी. अगर आप कहोगे तो नाइक्विस्ट थ्योरम को मैं और डिटेल में कवर कर सकता हूँ, बट जो थ्योरम है इसके अंदर काफ़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन थ्योरम का काम सिंपल ही है कि इट इज़ अ थ्योरम विच प्रोवाइड्स अस अ बेनिफिट, आई मीन विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कन्वर्ट एनालॉग साउंड टू द डिजिटल साउंड, ठीक है. अब जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ इतना सा पूछना चाहता है, द क्लोजनेस ऑफ द रिकॉर्डेड वर्जन ओरिजिनल साउंड इज कॉल्ड. सो क्लोजनेस को हम बोलते हैं फिडिलिटी, हमने चेक किया था, हमें पता है कि सैम्पलिंग क्या होता है, हमें पता है डिजिटाइजेशन क्या होता है, और हमें पता है नाइक्विस्ट थ्योरम क्या होता है. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि है फिडिलिटी, ठीक है. अगर आपको ये पता है तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. बट एनीवेज, अगर इस साउंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक तरीके से मैंने आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया है, शॉर्ट आइडिया दे दिया है एवरी थिंग अबाउट साउंड, कि साउंड के प्रोसेस में फिडिलिटी और ये सब चीज़ें होती क्या हैं. तो अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आई थिंक सो अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है. तो अब आगे बढ़ते हैं. अब जो आगे हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास ISO OSI लेयर्स को लेकर. अब देखो, ISO OSI लेयर्स में हमारे पास लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, मैंने कैसे याद किया है, हमने याद किया इस तरीके से, आप
पर से ट्रांसपोर्ट नहीं दे पाया, नहीं इज़ नेटवर्क, दे इज़ डेटा लिंक एंड पाया इज़ फिज़िकल। ओके, तो हमारे पास ये अलग अलग लेयर्स हैं। अब इसमें जो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन को हम बेसिकली एक लेयर की तरह ही ट्रीट करते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है और डेटा लिंक लेयर है। अब देखो इन लेयर्स में डिफरेंस क्या होता है। जब मैं बोलता हूँ कि ये हमारे पास एक सिस्टम है, अब इस सिस्टम में कोई प्रोसेस है, लेट अस से वो प्रोसेस है हमारे पास व्हाट्सएप। अब यहाँ पर अलग अलग चीज़ें खुली हुई हैं, व्हाट्सएप है हमारे पास, वेब ब्राउज़र है, अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये जो सिस्टम है ये एक राउटर से कनेक्टेड है, मीनवाइल हमारे पास बहुत सारे अलग अलग राउटर्स हैं रास्ते में, और जिस पर्सन से हमने कम्युनिकेट करना है उसके पास भी हमारे पास इसी तरीके से एक सिस्टम है, और वहाँ पर भी अलग अलग प्रोसेस है, और वहाँ पर एक प्रोसेस है हमारे पास व्हाट्सएप। अब देखो ये सभी लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। जैसे कि अगर मैं डेटा लिंक लेयर की बात करता हूँ, तो डेटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ द पैकेट बिटवीन एनी ऑफ दीज टू होप्स। तो हर एक होप, यानी कि जो हर एक डिवाइस हमारे पर रास्ते में आएंगी वो होगी होप्स। तो बेसिकली ये एक हॉप है और ये एक हॉप है। तो जो डेटा लिंक लेयर है इट डील्स विद हॉप टू हॉप डिलीवरी, यानी कि ये इंश्योर करता है कि एक हॉप से लेकर जो डेटा है वो दूसरे हॉप तक डेफिनेटली जाना चाहिए। ठीक है, अब जो नेटवर्क लेयर है यहाँ पर, जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर डील्स विद होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, यानी कि इस सिस्टम से जो डेटा है वो इस सिस्टम तक जाना चाहिए, इसको इंश्योर करने के लिए हम नेटवर्क लेयर का यूज़ करते हैं। सो इट इज़ होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। और उसी तरीके से अब जो हमारे पास तीसरी लेयर है यहाँ पर, तीसरी लेयर हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली करता क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर डील्स विद पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, पोर्ट टू पोर्ट या फिर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी हम ट्रांसपोर्ट लेयर को बोलते हैं। यानी कि इस जो मैसेज इस व्हाट्सएप का है, देखो एवरी सिस्टम विल बी कनेक्टेड विद टू थिंग्स, वन विल बी हैविंग पोर्ट नंबर एंड सेकंड विल बी हैविंग द होस्ट आईडी। ओके, होस्ट आईडी कहो या फिर आप कहो कि यहाँ पर हमारे पास नेटवर्क आईडी होगी। तो इस पोर्ट नंबर से हमें पता चलता है कि एक सिस्टम में किस एप्लीकेशन ने डेटा सेंड किया है और किस एप्लीकेशन को डेटा जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट लेयर है वो इंश्योर करती है कि अगर एक मैसेज एक व्हाट्सएप से व्हाट्सएप के पास गया है तो यहाँ से जो मैसेज है वो इस व्हाट्सएप तक जाना चाहिए। तो उसको बोलते हैं पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी या फिर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। ट्रांसपोर्ट लेयर डील्स विद द पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। अब ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली सेम चीज़ ही पूछना चाहता है। क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ओएसआई लेयर मॉडल्स आर होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी जो है वो कौन देखता है। तो जो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी है वो बेसिकली नेटवर्क लेयर है, वो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी देखता है। ट्रांसपोर्ट लेयर है वो आपकी पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी देखता है, और जो डेटा लिंक लेयर है वो आपकी हॉप टू हॉप डिलीवरी देखता है। सो अगर वो बोलता है जो द फॉलोइंग लेयर और सर होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, तो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी में हमारे पास कौन सी लेयर है यहाँ पर, बेसिकली जो नेटवर्क लेयर है वो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी देखता है। अब आई डोंट नो ज़्यादा ऑप्शंस कहाँ पर क्यों दिए हैं, बट एनीवेज इसका जो आंसर है वो हमारे पास नेटवर्क लेयर है, बिकॉज नेटवर्क लेयर ही होस्ट टू होस्ट डिलीवरी देखता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले फिजिकल, फिर डाटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, आपने सेम ऑर्डर में दिया हुआ है, तो आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर टू होना चाहिए यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स अ डैश सेल। अब देखो हमारे पास रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर जो है वो अलग अलग फ्लिप फ्लॉप से कॉम्बिनेशन से रजिस्टर्स बनते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया है, हमारे पास बाइनरी स्टोरेज सेल है जिसके अंदर हम कुछ इनपुट दे सकते हैं, कुछ रीड और राइट कमांड है कि हमें इसे रीड करना है या राइट करना है, और वहाँ से हमारे पास कुछ आउटपुट आ सकता है। अब ये जो क्वेश्चन है मुझे लगता है कि ज़्यादा क्लियर क्वेश्चन नहीं है। आई होप आपको, अगर आपकी कुछ इसके बारे में व्यूज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, पर मुझे लगता है कि ज़्यादा क्लियर ये क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली एक तरीके से जो सेल है ये स्टोरेज ही कर रहा है, मोबाइल तो ऑब्वियसली नहीं होगा आंसर। अब जो कन्फ्यूज़न है वो मेमोरी और रजिस्टर्स में से है। अब जो रजिस्टर्स होता है दिस आर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, अगर आप तीन चार फ्लिप फ्लॉप को अगर आप कंबाइन करेंगे, कुछ फ्लिप फ्लॉप्स को कंबाइन कर देंगे तो वो बेसिकली एक मेमोरी सेल जो है वहाँ से बनता है, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। अब यहाँ पर जो उन्होंने दिया हुआ है कि हम इस बाइनरी स्टोरेज सेल को इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट दे सकते हैं, और यहाँ से हम डेटा को रीड या राइट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो बिकॉज ये रीड और राइट की जो हमारे पास एक हमारे पास परमिशन है, इस वजह से इसका आंसर जो है वो एक मेमोरी सेल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम बाइनरी डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो एक मेमोरी सेल है। लेकिन अगर रजिस्टर्स का मतलब है, रजिस्टर में बेसिकली क्या होता है कि हर एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा। अब उसी तरीके से हमारे पास 4-bit रजिस्टर हो सकता है, 10-bit रजिस्टर हो सकता है, अलग अलग तरीके रजिस्टर्स हो सकते हैं, वहाँ पर भी हम डेटा स्टोर करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए 3, मेमोरी, बिकॉज ऑफ हमारे पास रीड और राइट के लिए अलग अलग लाइंस हैं,
तो मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन में भी हमारे पास रीड और राइट की अलग अलग लाइंस होती हैं जो बताती है कि डेटा को रीड करना है और या राइट करना है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है ये भी एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके बारे में आपको बेसिकली चारों ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए होता क्या है, बट इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है और बट सिली है, मतलब आई थिंक विल सी। ओके, सो दे सेइंग द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला ऑप्शन है मूरेज लॉ, दूसरा बॉयल्स लॉ, तीसरा न्यूटन रैप्सन मेथड और चौथा है ग्रीगोर लॉ। तो हमें अगर पहले एक सिर्फ ये देखते हैं कि लॉ किस किस बारे में बात करते हैं तो आपको आंसर आई थिंक पता चल जाएगा। तो सबसे पहला है मूरेज लॉ। सो बेसिकली मूरे जो है एक साइंटिस्ट था, मूरे ने वही साइंटिस्ट है जिन्होंने जो इंटेल अगर आप यूज़ करते हैं, इंटेल के प्रोसेसर्स आप यूज़ करते हैं, तो इंटेल के प्रोसेसर्स को इन्वेंट करने के लिए तीन आई थिंक फोर साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो अलग हुए थे पहले, तो उसमें से एक साइंटिस्ट था हमारे पास मूरे। तो मूरे ने इंटेल जो कंपनी है इंटेल कॉर्प वो स्टार्ट किया था। तो मूरे ने प्रेडिक्ट किया था कि हमारे पास ईयर के साथ हर साल जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यानी कि हम यूज़ कर रहे हैं एक सीपीयू यानी कि प्रोसेसर के अंदर, वो हर साल डबल होते चले जाएंगे। मुझे लगता है कि डायग्राम में आपको काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही होगी, बट एनीवेज एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 1970 और 1972 के बीच में यानी कि 1971 में हमारे पास जो प्रोसेसर्स आए थे, एक था हमारे पास इंटेल 4004 प्रोसेसर, दूसरा इंटेल 8008 प्रोसेसर, तीसरा TMS 1000। तो इन प्रोसेसर्स के अंदर जो इंटेल 404 प्रोसेसर था यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2000 से लेकर 3000 ट्रांजिस्टर्स हुआ करते थे। तो अब जैसे कि ये देखो ये एक ईयर है 1979 के आसपास, तो यहाँ पर इंटेल ने अपना 8088 प्रोसेसर यूज़ किया निकाला था और मोटरोला ने अपना प्रोसेसर 68000 निकाला था। तो 68000 का मतलब क्या था कि बेसिकली एक प्रोसेसर के अंदर 68000 ट्रांजिस्टर्स हैं। तो ऐसे ही जब आप आगे चलते जाएंगे तो हमारे पास कुछ मेजर प्रोसेसर्स भी यहाँ पर आते हैं, जैसे कि हमारे पास पेंटियम का प्रोसेसर है, पेंटियम प्रो आया, फिर AMD प्रोसेसर हमारे पास आया। AMD के बाद यहाँ पर हमारे पास पेंटियम 4 प्रोसेसर आया था ये सन 2003 के आसपास, फिर AMD का K8 प्रोसेसर आया था। लेकिन अब देखो बहुत सारे प्रोसेसर बहुत जल्दी जल्दी निकलते जा रहे हैं, जैसे एप्पल का A7S प्रोसेसर हमारे पास आया, अब तो A10 प्रोसेसर भी हमारे पास आ चुका है एप्पल का, और बीच में हमारे पास कोर i3, i5, i7 जो प्रोसेसर्स है वो हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास ये कोर i7 प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन है कि कब आया था, और ये जो दिखा रहा है कि उस प्रोसेसर्स के अंदर कितने सारे ट्रांजिस्टर्स हैं। तो मूरे ने प्रिडिक्ट किया था कि हर साल जो हमारे पास प्रोसेसर्स आएंगे, उन्होंने 1970s में ही ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि जो भी प्रोसेसर्स हम लोग जनरेट डेवलप कर रहे हैं तो हर साल वहाँ पर ट्रांजिस्टर्स की क्वांटिटी जो है वो डबल होती चली जाएगी। तो आप इसके बारे में गूगल सर्च भी कर सकते हैं, बट एनीवेज नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में और काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अब जो एक दूसरा मेथड है हमारे पास न्यूटन मेथड, तो जिसको हम न्यूटन राफ्सन मेथड भी बोलते हैं, सो ये बेसिकली फाइंडिंग है सक्सेसिवली बेटर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रूट्स, ये मैथमेटिक्स में रूट्स निकालने के लिए मेथड यूज़ होता है। और जो हमारे पास बॉयल्स लॉ है, तो बॉयल्स लॉ जो है वो गैस के लिए है। सो बॉयल्स लॉ स्टेट द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो एक गैस के लिए एक लॉ है। और जो ग्रेगोर मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है बेसिकली बायो में होता है, तो ये चारों चीज़ें अलग है। ग्रेगोर मेंडल जो लॉ है वो बायो में है, बॉयल्स लॉ गैस के लिए है, न्यूटन्स मेथड मैथमेटिक्स में है, और जो मूरेज लॉ है वो कंप्यूटर साइंस में है। तो इस क्वेश्चन में आपको बस ये पता होना चाहिए कि आप इनमें से कौन सा लॉ कंप्यूटर साइंस के बारे में है। अब बिकॉज यहाँ पर देखो ट्रांजिस्टर्स पर चिप के बारे में बात कर रहे हैं और ये बता रहा है कि जैसे सन 2009 के आसपास ये 1 बिलियन ट्रांजिस्टर्स एक CPU में आने लगे हैं, तो हर साल जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स है वो डबल होते चले गए। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। डैश इज़ द फर्स्ट इंटेल x86 माइक्रो प्रोसेसर विद अ ड्यूअल कोर रेफरिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2 प्रोसेसर ऑन सिंगल चिप। अब ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा और डिटेल में कवर करूँ, तो इसका जो वीडियो है वो काफ़ी लेंदी और लंबा होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 110 के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद मैंने उसमें पूरी हिस्ट्री ली है और ये हिस्ट्री आई थिंक आपको पढ़ना चाहिए, आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगी पूरी हिस्ट्री कि जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स है वो कैसे डेवलप हुए, किस ईयर में कौन सा माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट हुआ, किसके अंदर क्या फीचर्स थे, कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व थी इसमें, AMD कंपनी है, इंटेल कंपनी है, और कौन कौन सी जो कंपनीज इन्वॉल्व थी, कैसे कैसे माइक्रो प्रोसेसर्स ने ग्रो किया, और हम इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे कंप्लीट डिटेल के अंदर। मुझे लगता है हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी और ये हिस्ट्री आपको एक तरीके से थोड़ा सा अगर आपको आइडिया
होगा, तो इस तरह के काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास जब कंपनी स्टार्ट हुई थी इंटेल, तो इंटेल के अंदर तीन जो मेजर साइंटिस्ट थे हमारे पास, साइंटिस्ट कहो या फिर इन्वेंटर्स करो, बिकॉज हम कंप्यूटर साइंस में इन्वेंटर्स ही हम लोग बोलते हैं, हर चीज़ को हम इन्वेंट करते हैं। तो हमारे पास तीन मेजर इन्वेंटर्स थे, तीन फाउंडर्स थे इंटेल कॉरपोरेशन के, और वो थे हमारे पास मूरे, रॉबर्ट नॉइस एंड एंडी ग्रॉफ। तो इन्होंने इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट किया था, और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक से ही हमारे पास जो वर्ड है वो इंटेल निकला, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स से वर्ड निकला था इंटेल। और ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है उस समय की, 1968 की, जब इन्होंने कंपनीज़ ने फेयर चाइल्ड एक कंपनी थी उसको छोड़ा ताकि ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक फर्म निकाल सके, जिसको लेटर ऑन हम आज इंटेल के नाम से भी जानते हैं, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन जो है वो किए हैं। और यहाँ पर जो ये साइंटिस्ट हैं मूरे, तो इन साइंटिस्ट मूरे के ऊपर ही जो पिछला क्वेश्चन आया था हमारे पास वो मूरे के ऊपर ही आया था, ये जो स्टेटमेंट है ये मूरे की ही है। तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा और डिटेल में कवर कर सकूँ, हिस्ट्री ऑफ ऑल दिस माइक्रो प्रोसेसर्स, वो पूरा क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग होगा कि आपको देखने भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं अभी यहाँ पर रोकता हूँ ताकि एक अगला वीडियो मैं बना सकूँ क्वेश्चन नंबर 110 के लिए, जहाँ पर हम पूरी हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर को कवर करेंगे, इंटेल के बारे में देखेंगे, AMD की हिस्ट्री है, तो सबकी जो हिस्ट्री है वो थोड़ा सा एक आइडिया देंगे, ठीक है। तो लेट अस गो विद द नेक्स्ट वीडियो।